RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद सैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथिया। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने दोनों पार्टियों के रुझान पर तनकीद करते हुए कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी को कोंगा जापा का नारा लगा रही थी तो बीजेपी डोंग जापा का नारा लगा रही थी। इस हद तक जुमेरात की सुबह सूर्यापेट जिले मरकज में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासत के यौम तासीस की तकरीबात को मनाने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की जाने वाली दहाई की तकरीबात पर बीजेपी और कांग्रेस के रुझान पर सख्त तनकीद की। वजीर जगदीश रेड्डी ने इन दो पार्टियों के तकरीबात के बारे में बात करने के अखलाकियात पर सवालिया निशान लगाया, जिन्होंने रियासत के हुसूल के लिए जारी तहरीक में इस्तीफों के साथ दम बांध रखा है। उन्होंने एतराज किया कि बीजेपी पार्टी जिसने आंध्र में तमाम 8 मंडलों को जम कर दिया, बशमुल 500 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले मरकज के इख्तदार में आने के बाद तेलंगाना के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। అరవై సంవత్సరాలు దేశాన్ని 60 సంవత్సరాల పైగా అనేక రాష్ట్రాలని పరిపాలించి ఇప్పటికీ ఈ దేశంలో నిరుద్యోగం ఉందంటే ఈ దేశంలో ఇంకా ప్రజల ఆకలితో అలమటిస్తున్నారంటే కనీసం మంచినీళ్ళు లేని కరెంటు లేని గ్రామాలు ఇంకా ఉన్నాయి ఈ దేశంలో అంటే దానికి ప్రధానమైన కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ అనే సంగతి మనకు తెలుసు. అందుకే అది ఫెయిల్యూర్ పార్టీగా ప్రజలు తిరస్కరిస్తూ ఉన్నారనే విషయం కూడా మనకు తెలుసు. కాబట్టి వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ సభలే చేసుకోవాలి అన్న సందేహం లేదు. మరీ ప్రత్యేకించి ఈ మధ్యకాలంలో వాళ్ళ నాయకుడే 2 సార్లు మధ్యలో ఓడను మధ్యలో వదిలిపెట్టి దొరికిపోయిన కెప్టెన్ లాగా, బస్సును మధ్యలో ఆపి నేను తోడలేనని చెప్పి వదిలిపెట్టిన డ్రైవర్ లాగా, నా వల్ల కాదు నేను పార్టీని నడిపించలేను అని చెప్పి రాజీనామా చేసిపోయిన ఫెయిల్యూర్ పార్టీ ప్రపంచంలో బహుశా కాంగ్రెస్ పార్టీ. అందుకనే వాళ్ళు ఏ సభలు చేసుకున్నా ఫెయిల్యూర్ సభలే చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా ఫెయిల్యూర్ సభలే చేసుకుంటున్నారు, అది ప్రజలకి సంబంధం. ఇక పాపం బీజేపీ నాయకుడు కిషన్ రెడ్డి, కిషన్ రెడ్డి తెలంగాణ గురించి మాట్లాడితే ప్రజలు నమ్ముకుంటారు. ఉద్యమం అద్భుతంగా నడుస్తున్న సందర్భంలో తెలంగాణ రియాసతీ హుకూమత్ ని తెలంగాణ స్టేట్ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో ఆర్ తెలంగాణ స్టేట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో కి నఖాబ్ కుషాయి కి హై. యే అహమ్ మౌఖా సబ్సే కమ్ ఉమర్ రియాసత్ కే అప్నే 10వీ సాల్ మే దాఖలే కే సాత్ మువాఫిక్ హై. రియాసతీ హుకూమత్ కే పుఖ్తా అజమ్ కి నిశాందహి కర్తా హై ఔర్ మన్షియాత్ ఔర్ సైబర్ క్రైమ్స్ కే ముజీర్ అసరాత్ సే నిమట్నే కే లియే ఏక్ ఫాల్ ఔర్ ఆగే బడ్నే వాలీ సోచ్ కా ముజాహిరా కర్తా హై. వజీర్ దాఖలా మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ నే వజీర్ శనవాజ్ గౌడ్ ఔర్ సీనియర్ పులిస్ ఆహ్దేదారోన్ కే సాత్ TSP ICCC के टावर रबी में 2 नए ब्यूरो का रस्मी तौर पर आगाज किया है. TSNAB 12वीं और 13वीं मंजिल से काम शुरू करेगा, जबकि साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो 2री और 3री मंजिल से काम शुरू करेगा. इस मौके पर CV आनंद CP हैदराबाद ने मेहमान खसूसी और दीगर मौजूदीन की मौजूदगी में नए चैम्बर में डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो का चार्ज संभाला. बाद अजा बुजरा ब्यूरोक्रेट्स ने नए अहाते का दौरा किया. ऑयल कंपनियों ने LPG के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी का ऐलान किया है, जबकि घरेलू सार्फिन को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है. अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 83 रुपए की कमी की गई है. नई कीमतों पर आज से ही अमल होगा. कबल अज़ यकुम मई 2023 को भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 172 रुपए की कमी की गई थी. आम सार्फिन को महाना गैस सिलेंडर के लिए करीब 1200 रुपए अदा करने पड़े हैं. वाज़ेह है कि मार्च से घरेलू सार्फिन के ज़र इस्तेमाल पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई. पहले ही आम आदमी महंगाई से परेशानियों का सामना कर रहा, ऐसे में आम आदमी को उम्मीद थी कि शायद उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. नए मालियाती साल के आगाज के बाद मौके पर यकुम अप्रैल 2023 के पहले दिन LPG के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी की गई थी, ताहम इस वक्त भी घरेलू गैस के दामों में कोई कमी नहीं की गई.
पहला तेलंगाना गुरुकुलम्स ऑल इंडिया ओपन FIDE रिटेनिंग शतरंज टूर्नामेंट कामयाबी के साथ अप्रैल के महीने 26-30 तारीख में मुनाक़िद किया गया था, जिसमें 592 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अब अगले टूर्नामेंट के तौर पर पहला तेलंगाना गुरुकुलम ऑल इंडिया 1600 रेटिंग से नीचे शतरंज टूर्नामेंट मुनाक़िद करने जा रहे हैं। TTWREIS और TSWREIS सेक्रेटरी रोनाल्ड रोज की निगरानी में इस टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहला तेलंगाना गुरुकुलम ऑल इंडिया 1600 नीचे फाइड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट पहली बार कोई सरकारी इदारा शतरंज का एक तस्लीम शुदा टूर्नामेंट मुनाकिद कर रहा। ये टूर्नामेंट ऑल इंडिया शतरंज एसोसिएशन और तेलंगाना शतरंज एसोसिएशन के इश्तराक से मुनाकिद किया जा रहा। CPI तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी कोन्ना नैनी सम्बशिवराव ने तेलंगाना रियासती हुकूमत से संगारेड्डी जिले के जहीराबाद म्यूनसिपालिटी के इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। इस मौके पर CPI संगारेड्डी के जिले सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने हिमायत नगर में कहा है कि जहीराबाद म्यूनसिपल बोर्ड की मियाद 2018 में मुकम्मल हो चुकी है। जहीराबाद के शहरी मजाफाती देहात जैसे कि बास्तापुर, रंजुलू, चन्नाहोती, अलीपुर और चन्ना हैदराबाद को म्यूनसिपालिटी में जमकर दिया गया है। इस तनाजर में चन्नावटी गाँव के लोग इस गांव को जम ना करने के लिए अदालत गए, लेकिन अदालत ने 20 से 22 जनवरी 2027 को रियासती हुकूमत को इस गांव में समेत फौरी तौर पर इंतखाबात कराने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के जिया ने फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि वो मुतालबा कर रहे कि जहीराबाद बल्दिया के इंतखाबात कराए जाएं और जहीराबाद टाउन की तरक्की के लिए कोशिश की जाए। इंकशाफ हुआ है कि सिलसिले में रियासती वजीर आला के जियार और रियासती वजीर बल्दियात के जियार को खत भी लिखा गया। एन जरपाने कारणमे लेकिन कोर्ट को वेल्लिनटुवंटि चंदवती ग्राम अन्नी दृष्टिलो पेट्टुकुनि कूडा हाईकोर्ट अन्नी कलिपे मीरु जरपंडि अनि चेप्पि स्पष्टंगा आदेश इच्चिना कूडा दानि आधारं चेसुकुनि एन्निक जरपाल्सिन प्रभुत्वं तात्सर्यं चेयटं वेनुक कारणं एंटि अनेदि एवरिकि अर्थं कावट्लेदु। अंदुवल्ल अंशं पैन खच्चितंगा प्रभुत्वं तक्षणं स्पंदिंचि ఆ కార్యక్రమంలో మా CPI పార్టీ తరపున शिवसेना कायद संजय रावत ने दावा किया है कि चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के धड़े के बाद अरकान असेंबली उद्धव ठाकरे की पार्टी से राब्ते में है। एक दिन कबल शिवसेना तर्जमान सामना के दारिया में दावा किया गया था कि शिवसेना हरीफ ग्रुप के 22 अरकान असेंबली और 9 अरकान पार्लियामेंट का दम घुट रहा है क्योंकि बीजेपी उनसे सौतेला सलूक कर रही और ये लोग चीफ मिनिस्टर शिंदे का ग्रुप छोड़ सकते हैं। ये पूछने पर कि आया शिवसेना हरीफ ग्रुप के अरकान असेंबली शिवसेना से राबते में है, संजय रावत ने मुंबई में नुमाइंदों से कहा है कि राबता हमेशा रहता है। शिंदे ग्रुप के अरकान असेंबली ने शिकायत की है कि लेकिन इसे मंजर आम पर लाना ठीक नहीं होगा, उन लोगों ने उद्धव जी का साथ छोड़कर गलती की और इस्लाह अहवाल ही उनका करना है। और रुकन राज्यसभा संजय रावत ने मजीद कहा है कि शिंदे ग्रुप वालों को बीजेपी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना होगा, यही बीजेपी का मौकिफ है, हमें इसकी जानकारी मिली है। Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by a student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner. R&S Yunani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन।
ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पत्री ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्री फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। थैंक यू फॉर यूनी स्टोन। नैन ఒక సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్ తో చాలా బాధపడ డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది, అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేశారు। ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనీ స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు, అది తాగిన వెంబడే क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10mm था बाल ग्लैडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14mm मेरे को कंकर थे, उसके बाद 18mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था ना कुछ, नहीं क्या नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा, एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पर दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा में बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। RNS यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट केनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।